नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप आईवी टीवी देख रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है, यानी बीजेपी कोटे से जितने भी मंत्रियों ने शपथ ली है उनको भी उनके विभाग का जिम्मा दे दिया गया है। राजभवन से इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सबसे बड़ी बात, या जिस पर रार छिड़ी हुई थी, जंग छिड़ी हुई थी, विवाद कहा जा रहा था कि सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग किसके खाते में जाएगा, वो भी क्लियर हो गया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बाजी मार ली है, एक तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्हें उन्हीं के पास में सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग भी उन्हीं के जिम्मे दिया गया है। इसके अलावा निगरानी विभाग भी सीएम नीतीश कुमार के पास ही रहने वाले हैं। फिलहाल जितने मंत्रियों ने शपथ ली है, यानी कि 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी और एक मुख्यमंत्री, तो इन्हीं 9 लोगों के बीच में ही विभाग का बंटवारा किया गया है। चूंकि अभी तक फिलहाल नीतीश कैबिनेट के में नीतीश मुख्यमंत्री के अलावा 8 लोग ही मंत्री पद की शपथ लिए, जिनमें से 3 बीजेपी कोटे से, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और प्रेम कुमार, इसके अलावा श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव और एक सुमित कुमार है, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। उधर से जेडीयू से 2 और एक निर्दलीय, और एक खुद नीतीश कुमार हो गए और एक सुमन, संतोष सुमन, जो कि जीतनराम मांझी के पुत्र हैं, उनको। कौन कौन सा विभाग किसको मिला है वो भी हम बता देते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आज 1 घंटे तक दोनों डिप्टी सीएम की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि इसी मुलाकात में विभागों का बंटवारा हुआ है और उसके बाद फाइल सीएम हाउस से राजभवन भेजी गई है और फिर राजभवन से नोटिफिकेशन भी निकल गया है। सबसे पहले हम बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के पास कौन कौन सा विभाग मिला है। तो सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है, वो तमाम विभाग सीएम नीतीश कुमार को मिले हैं। इनके अलावा सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, इनको मिला है वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज, उद्योग, पशु एवं मत्स्य संसाधन, विधि। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा को मिला है कृषि, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति एवं युवा, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। विजय कुमार चौधरी जो कि जेडीयू कोटे से हैं, जल संसाधन विभाग मिला है, संसदीय कार्य विभाग मिला है, भवन निर्माण, परिवहन, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क। इसके अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव को, जो कि पहले से ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, इस बार भी ऊर्जा विभाग उन्हीं के जिम्मे गया है। योजना एवं विकास विभाग भी इनके हाथ लगा है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, ग्रामीण कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी इनके जिम्मे दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर प्रेम कुमार जो कि बीजेपी कोटे से हैं, सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी इनको दिया गया है, आपदा प्रबंधन विभाग भी दिया गया है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा पर्यटन विभाग का जिम्मा भी इनको दिया गया है। मंत्री श्रवण कुमार इनको दिया गया है ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। इसके अलावा संतोष कुमार सुमन को IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भी इनके जिम्मे दिया गया है। इसके अलावा सुमित कुमार सिंह इनको विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इनको दिया गया है। यानी कि बीजेपी के जिन 3 मंत्रियों के पास जो जो विभाग है, वो समझ लीजिए आप कि वो बीजेपी के कोटे में सारे विभाग गए हैं। कुल मिलाकर के 21 विभाग, जो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, 20 से 21 विभाग बीजेपी कोटे में गया है और रेस्ट विभाग जितने भी हैं वो जेडीयू, संतोष सुमन और सुमित कुमार के जिम्मे दिया गया है। कुल मिलाकर के अभी तक जो बातें एक नज़र में देखने से लग रहा है, वो 2020 का ही फॉर्मूला इस बार भी अपनाया गया है। यानी 2020 में NDA के में बीजेपी के खाते में जितने विभाग दिए गए थे, उतने ही विभाग इस बार भी दिए गए हैं। लास्ट टाइम में शिक्षा विभाग राजद के खाते में चला गया था, जब 2022 में 9 अगस्त या 10 अगस्त को सरकार बनी थी, महागठबंधन की, तब वो फिर से अदला बदली हो गई है। यानी वित्त आ गया है बीजेपी के पास और शिक्षा मंत्री का जिम्मा दे दिया गया है जेडीयू को, यानी शिक्षा मंत्री अब विजय चौधरी रहेंगे। ये भी करीब करीब स्थिति साफ हो गई फिलहाल जो है। वैसे सामान्य प्रशासन और गृह विभाग और निगरानी विभाग जिस पर रार था, वो तमाम विभाग सीएम नीतीश कुमार के पास दिया गया। इस बीच में अभी विभागों का बंटवारा हो गया और नेक्स्ट कौन कौन मंत्री दोनों तरफ से कौन कौन होंगे नए मंत्रिमंडल में, चूंकि 13 मंत्री अभी भी बाकी है जिनको शपथ लेना है बीजेपी कोटे से, उसको लेकर के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जाने वाले हैं दिल्ली,
दिल्ली में माना जा रहा है कि लिफाफा तय है, सीलबंद, उसमें नाम फाइनल है, कौन मंत्री बनेंगे, सिर्फ मंत्री का नाम ही फाइनल नहीं है बल्कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उस पर भी मुहर लग सकती है, राज्यसभा में दो लोग कौन जाएंगे, सुशील मोदी रिपीट होते हैं या उनके अलावा कोई और जाता है वो भी फाइनल हो जाएगा, एमएलसी की सीटें जो चुनाव होने वाला है उस पर कौन कौन से उम्मीदवार लड़ेंगे वो सभी फाइनल होने की सूचना है। तो फिलहाल बड़ा डेवलपमेंट ये है कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था नीतीश सरकार का, उसके बाद से अब तक विभाग का बंटवारा नहीं हुआ था, तो आज विभाग का बंटवारा भी कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।